हाय, मैं रोशन और आप देख रहे हैं रॉनी ब्लॉग्स। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि सीतामढ़ी जिला से देवेश चंद्र ठाकुर 51,450 जीत चुके हैं। जी हाँ, तो वहीं पे इनका कुछ समर्थक लोग है इधर, और चलते कुछ समर्थक लोगों से हम बातें करते हैं। सर, क्या आप लोग समर्थक है क्या? हाँ, समर्थक है देवेश चंद्र ठाकुर के। जी। तो कितना लगभग मार्जिन से जीते हैं? 65,000 से चुनाव जीते हैं। 65,000 से? तो ये 65,000 से वो चुनाव जीते हैं, और क्या अपेक्षा, अब इनसे क्या उम्मीद है सर? सीतामढ़ी का विकास होगा, और ये जीत सीतामढ़ी की जनता का जीत है। लगातार JDU यहाँ जीतती आ रही है। यह सीट JDU का परंपरागत सीट था, और जिस समय JDU का टिकट मिला उसी समय जीत सुनिश्चित था। तो क्या उस समय ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुछ काफ़ी मार्जिन से जीतेंगे, या ऐसा कुछ नहीं लगता था? लग तो रहा था कि हम लोग ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन कांटे का संघर्ष था। तो लेकिन चुनाव जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से हो या 10 वोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? हम ओम प्रकाश राय, पूर्व प्रमुख, जनता दल यू के चरौत के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, तो ओम प्रकाश राय जी थे चरौत से, और कुछ लोग से और बात करते। सर, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार सिंह। अभी इनके समर्थक? जी जी। अच्छा, मेजरगंज के अध्यक्ष जी, और बसबिटा पंचायत के मुखिया भी हैं। पहला इनसे क्या उम्मीद रहा, कि पहला ऐसा जो होता ना कि पहला हम जैसे आए, अब हमारे जो होता है उम्मीद पे जीत गए, तो पहला हम ये काम करवाए अपने क्षेत्र के लिए? चाहे देखिए, देवेश बाबू कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी, पिछले 22 सालों से MLC के तौर पर सीतामढ़ी, शिवहर यानी तिरहुत कमिश्नरी के जो जो भी स्नातक स्तरीय मतदाता था, थे उनके सेवा कर रहे थे। पहली बार उनको आम जनता के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आम जनता के सहयोग से जीत को प्राप्त किए हैं, और जनता का बहुत अपेक्षा है उनसे, और पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि उस जनता का जो कसौटी है उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, शायद आप लोग भी देखे होंगे, बड़े मीडिया का। जी जी, जिसमें बोला था फिर पलटी मारने वाले हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी दो बार, वो नीतीश कुमार जी करप्शन से दूर रहना चाहते हैं, और जब जब राजद गठबंधन में वो जाते हैं तो वहाँ वो कहता है कि हम ठीक से रहेंगे, लेकिन जाते ही करप्शन शुरू हो जाता है। तो अब वो इस बार नहीं जाने वाले, उन्होंने सोच लिया है। अभी एक और मीडिया पे खबर चल रहा था, शायद आप लोग भी जाएंगे घर पे, चाहे देख रहे होंगे मोबाइल पे, उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई लगता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किंग मेकर का काम करेंगे, और बिहार का इस तरह का विकास होगा जो कहने लायक होगा। और सीतामढ़ी में आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जो पहले ही वादा कर चुके हैं कि जगत जननी माँ जानकी का जन्मभूमि को ऐतिहासिक बनाऊंगा, यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनवाऊंगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाऊंगा, ये सब काम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी में। सर, एक सवाल और खटक रहा है, आप जब बात किए हैं तो, सर नाम क्या हुआ? सर, मुकेश सिंह नाम हुआ। मुकेश सिंह। अच्छा सर, इस चुनाव में सभी लोग, इस चुनाव में जो माहौल बनाने की कोशिश किया गया बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो कितना मतलब प्रभावित किया? बिल्कुल नहीं हो पाया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में इस बार जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने माननीय देवेश चंद्र ठाकुर को मतदान किया है, सभी जाति के लोगों ने मतदान किया है। सर, कुछ और समर्थक लोग हैं, चलिए बात करते हैं। और देखिए, अभी हमारे चाचा फूल उल लेके बैठे हुए, जैसे उधर से निकलेंगे और इधर फूल, बस फूलों का लोग खरीद के यहाँ से फूलों से हार पहनाया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे बातें करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? सर, समर्थक है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है सर पहला उम्मीद, क्या है कि किस चीज़ पे काम होना चाहिए? अब तो फाइनली जीत गए देवेश चंद्र ठाकुर जी। सबसे पहले तो सीतामढ़ी का जो विकास अब तक नहीं हुआ है वो होना जरूरी है। अच्छा जी, और इसको जो है धार्मिक नगरी भी घोषित किया जाए। अच्छा, माता जानकी का मंदिर जो है राम मंदिर के तर्ज पर जो है बनना चाहिए। जी जी। और बाकी जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल बढ़िया आना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। नवयुवक के लिए क्या कहेंगे? नवयुवक के लिए तो सर रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है ना? जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वाकई में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी तो है सर। है ना सर? जी। चलिए कुछ लोगों से और बातें करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? सर, रजनीश झा। रजनीश झा। झा सर, पढ़ाई करते हैं कि काम? नहीं नहीं, अभी जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं? हाँ। कहाँ पे? फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड है, PW कंपनी है, जो एडिटेड कंपनी है, एजुकेशन की कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो सर, जितना आप कमाते हैं क्या उससे घर परिवार चल जाता है?
देखिए बेसिकली आजकल के ज़माने में ना ऐसा बोला जाता है कि रोज़गार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हर एक लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही हो जाएगा। अब जहाँ पे हम लोग किसी भी ऑफिस में जाते थे, ठीक है, किसी व्यक्ति जो ऐसे कि कागज़ पुर्जा का काम होता था तो 20 लोग करते थे, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर आ चुका है, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं जिनको कंप्यूटर चलाने आता है वो 19 लोग के जॉब तो लेंगे ही ना, तो उन 19 लोगों को ये चाहिए कि कुछ अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल लाए, तब तो उनको जॉब प्रोवाइड होगी ना। और हाँ, बेरोज़गारी कहीं ना कहीं है, बट आपको भी किसी तरीके का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ा है, तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और दिव्यसन ठाकुर जी जो हमारे इस बार के प्रतिनिधि है वो जीत रहे हैं, तो पहले से भी वो जीत गए, हाँ जीत गए हैं, तो पहले से भी विकास का काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, हम लोग को पूर्ण आशा है। चलिए धन्यवाद। सो आप देख रहे हैं जैसे हलचल तेज हो रही है, जैसे जैसे आने वाले हैं बाकी लोग, आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे। जी सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामनंदन शाह है जी, मैं समर्थक हूँ। अच्छा, और काफ़ी कैंपेन किए हैं 15 दिनों से। अच्छा, कैंपेन किए हैं सर। अच्छा, ये बताइए कैसा ही सही बताइए, जो अभी मार्जिन इनका जीत का है, क्या वही आप लोग आकलन किए थे कि उससे ज़्यादा का था? नहीं, यहाँ लड़ाई तो बहुत कसम कस की थी। अच्छा, लेकिन अच्छा एक सवाल, एक मिनट सर रुकना चाहेंगे, क्या शिवहर से भी कसम कस थी यहाँ पे? सही सही बताइएगा। नहीं, शिवहर से ज़्यादा कसम कस नहीं था। तब फिर हाँ आगे, लेकिन जनता होशियार है जी, जाति सबसे हट के वोट किए हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है। देवेश बाबू को नाम पर वोट नहीं मिला है, मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर इनको वोट मिला है। बिल्कुल जी, रामनंदन साहब, रामनंदन साहब जी का कहना था कि विशेष जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए, और गरीबों को जिसको अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है ये सब मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पंचायत में अभी तक रुका हुआ है। और कुछ लोगों से और बातें करते हैं सर, क्या नाम? मेरा नाम जुगनू है, बिरार पंचायत के मुखिया है। कहाँ के? बिरार पंचायत, नानपुर प्रखंड। अच्छा, नानपुर जी, नानपुर बोलिए सर जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो आप लोग है क्या उम्मीद थी इनसे, मतलब क्या मार्जिन के लेकर क्या उम्मीद थी, जो मार्जिन आप सुने होइएगा 45,000, क्या था उम्मीद? वो ठीक था, वो उम्मीद हम लोग का पहले से भी था कि इतना वोट तो जीतेंगे, इतना ही से ही जीतेंगे, इतना जीतेंगे जी। बहुत सारे लोग बोले थे कि हम लोग को तो 2,00,000 से उम्मीद था, हम लोग जो रहते इतना से वोट जीतेंगे। अच्छा, आप लोग पूरा आकलन कर लिए थे कि इतना से निकलेंगे ही निकलेंगे, मतलब निकलना ही श्योर है, निकलना जी। सर तो क्या उम्मीद, क्या है पहला, ऐसा क्या काम होना चाहिए? पहला काम ये सीतामढ़ी जिला में, बिहार में विकास के मामले नंबर 1 पोजीशन पर रहेंगे हमारे देवेश बाबू। अच्छा जी, विकास की गति गंगा बहा देंगे। ये विरोधी तो कह रहा कुछ किया नहीं, सिर्फ हवा हवाई है बस, ये 22 साल से, ये 22 साल के नेता है, 22 साल से है, कहाँ कुछ किया, जमीनी स्तर के नेता है, इनसे ज्यादा कार्यकर्ता किसी भी नेता के पास नहीं है, इनसे ज्यादा कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए लोग इनसे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं है। विरोधी एक भी आरोप लगा रहा है, अभी बड़े मीडिया में भी चल रहा है कि फिर पलटूराम पलटी कर जाएंगे, इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, पलटी करेंगे या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। अभी तो सामने वाले से ऑफर भी दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ आइए, उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, ये सब जानकारी मुझे नहीं है। नहीं है सर, जो चल रहा है अभी राइट नाउ चल रहा है मीडिया में। सर, सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अर्जू हसन करीमी जी। हाँ, क्या उम्मीद है सर इनसे? इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं सीतामढ़ी के लोगों को जी, और ये अच्छे लोग हैं। एक शेर हमको याद आता है, हाँ जी बिल्कुल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अब बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, वो हमारे दिवेश बाबू हैं। और इनसे अच्छा कोई नेता, सीतामढ़ी को पहली बार ऐसे नेता से भेंट हुई है, और ये विकास पूर्वक है, और इनसे सारी उम्मीदें हैं, और ये अच्छा करेंगे, एकदम उनके साथ हम शुरू से ही है, और हर जगह हम गए, हर जगह कैंपेन किए, सारे लोगों से मिले और सारे लोगों को इनकी अच्छाई बताए और कहे कि ये अच्छे लोग हैं, इनकी मदद की जा सकती है। सर पहला क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहला काम यहाँ जो है विधि व्यवस्था सही होना चाहिए, और जहाँ विकास नहीं हुआ है उस गांव को चिन्हित करें हमारे नेता, हमारे माननीय, अब तो सांसद कहने में बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बोल सकते हैं सांसद जी जी। हाँ, हमारे सांसद दिवेश बाबू वो बहुत ही जुझारू लोग हैं, और बहुत ही सूझबूझ के आदमी हैं, वो अच्छी तरह पहचानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और उनसे पूरी उम्मीद सारे लोगों को है, सीतामढ़ी के सारे लोगों को है,
अच्छा सर, सही सही लग रहा था शुरू से कि मतलब ये जीतेंगे या कहीं ना एक कदम उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु, बहुत सारे लोग आंकड़ा निकालते थे 159,600 से जिताया जा रहा था और क्या कहा आया था जी। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग, हमने कहा एक आदमी से कि ऐसा है कि मैं आज के बाद राजनीति नहीं करूँगा अगर दिवेश बाबू सीतामढ़ी से सांसद नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी बात बोल दिया आपने कि आज के बाद राजनीति नहीं करूँगा अगर ऐसा नहीं निकलेगा। एकदम तय कर चुके थे कि नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था हमको, भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये होते हैं जहाँ रहना है भैया, एकदम भरोसे के साथ रहना, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, डगमगाना नहीं। क्या सर सामने वाले से कोई ऑफर ऑफर नहीं मिला सामने? ये तो बड़ी बात है, बड़े मामलात होंगे, क्योंकि जैसे सामने वाले को पता चलता था कि फलना महा नहीं, नहीं वो हमको अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। ओके ओके ओके, मुझे वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनके बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए। हिम्मत नहीं है, गाजर मूली नहीं है जो हमको टच करेंगे कि ऐसा ना ऐसा किया जाए। मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ और इंदिरा आवास में मेरा घर नहीं है। चलिए सर की बात है, बहुत अच्छा लगा थोड़ा। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। अभी सर समर्थक है कि सर के साथ आए हुए? जी जी, इन्हीं के साथ हम लोग आए, उनके समर्थक, उनके समर्थक है। ओके ओके सर, बिल्कुल विवेचन ठाकुर के ही समर्थक है और हम लोग तो इतना ही उनके बारे में कहेंगे कि बहुत नेक और ईमानदार प्रत्याशी है। जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमको मिला। नवयुवक है, आपको नहीं लगता है कि शायद गलत, मतलब गलत को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, कल तक हम गलत को सपोर्ट कर रहे थे। ओ वाकई बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया, कल तक हमने गलत को सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, आज जो जिनको हमने सपोर्ट किया है काफ़ी दिल से किया है और यही खुशी बहुत बड़ी हमारे लिए कि दिवेश बाबू जो है यहाँ से सीतामढ़ी लोकसभा से जीत कर आ गए। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिला में जो विकास होगा उतना गांव में भी होना चाहिए। हाँ, ये बात में, ये बात नाला, बिजली हुआ चाहे कुछ भी, विकास होना चाहिए, है कि नहीं? गांव में लाइट है। क्या उम्मीद है आपका, आपके यहाँ कितने घंटे लाइट रहती है? लाइट तो मेरे इधर रात में करता था, सुबह आता है। पहली बार इन्होंने बात करते हुए बहुत अच्छी बात बोली कि शहर तो विकास हो ही रहा है, प्लस गांव पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे रखते हैं अपनी बानी और चलते हैं, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।